ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 29 अक्टूबर 2018 सोमवार का दिन है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है। मिथुन राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे। पूर्व दिशा की यात्रा करना इस दिन हानिकारक माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण देख करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव तुला राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ मिथुन सिंह कन्या तुला धनु और कुंभ इन 7 राशि वालों को मिलेगी कई बड़ी सौगातें। इनको दुर्लभ लाभ का योग बन रहा है। इनके लिए दिन अति उत्तम रहेगा। ये राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। इनको बड़ा फायदा मिल सकता है। अचानक इनको पदोन्नति का उत्तम योग बन सकता है या कार्य क्षेत्र में इनके नए काम शुरू हो सकते हैं। रुका हुआ पैसा इनका प्राप्त हो सकता है। यदि अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव भी इनका प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार ये 7 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। मित्रों हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।